lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. And welcome to another vlog. So basically today is 13th of December and it is my cousin's wedding tomorrow. I am so excited. क्योंकि आई डोंट नो मतलब पहली बार हुआ है कि किसी बहन की शादी है, यू नो मतलब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमारी शादियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं. एनीवेज सो आई जस्ट थॉट ऑफ व्लॉगिंग, मतलब इसे छोटे मोटे यू नो क्लिप्स लेके आई जस्ट यू नो वॉन्ट टू कीप दिस थिंग एज अ मेमोरी ऑन माई चैनल कि मतलब शी गॉट मैरिड एंड ऑल. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे एंड टुमोरो. सो टुडे शी विल बी हैविंग हर मेहंदी सेरेमनी, देन घड़ोली, लेडी संगीत, डीजे नाइट, वट एवर इट इज़, एंड देन टुमोरो इट इज़ हर वेडिंग. सुबह की शादी है. सो मेरी जस्ट पैकिंग हो गई थी, मैंने कल रात को ही पैकिंग करके रख ली थी. सो माई बैग इज़ ऑलमोस्ट पैक्ड यू गाइज. आई हैव माई कर्लिंग टोंग, एक एमी टी शर्ट रख ली थी रात में डालने के लिए. देन आई हैव ऑल माई आउटफिट्स हियर जो कि अभी दिख नहीं रहे होंगे, आई नो. एंड देन इस पाउच में आई हैव माई हेयर केयर एंड स्किन केयर, इसमें आई हैव माई हील्स, देन इस बैग में आई हैव माई मेकअप. यहाँ पर भी मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है. आई डोंट यूज़ वाइप्स बट अभी एंड मोमेंट पे वाइप्स ले जाने ही पड़ेंगे मुझको. देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे अभी भी रखने हैं, मतलब मैंने लिस्ट बनाई हुई है एक एंड मोमेंट पे क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं. सो या आई एम जस्ट गोना पैक माई बैग अगेन एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी बेसिकली. ऑल्सो गाइज, मैंने से रिंग लाइट इसलिए जलाई है ना बिकॉज जो मेरा फुल लेंथ टाइप का मिरर है ना घर में, उसके ऊपर वाली लाइट खराब होगी जो ऊपर लाइट लगी रहती है. सो अब बिना लाइट के ऑब्वियसली आई के नॉट डू माई मेकअप. सो मैंने सोचा कि ठीक है आज रिंग लाइट के सामने ही अपना मेकअप करते हैं जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. एंड ऑल्सो प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू कैन हेयर एनी बैकग्राउंड नॉइजेज. लाइक आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो के घर के जो सामने ही कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये आवाजों की तो अब हमें आदत हो चुकी है. नाउ द फेस वॉश दैट आई विल बी यूजिंग इज फ्रॉम द नेचुरल वॉश. आई लव द नेचुरल वॉश एज अ ब्रांड. मैंने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स आई थिंक लॉकडाउन के जस्ट बाहर ट्राई किए थे एंड आई एम इन लव एवर सिंस. मैंने एक्चुअली 3-4 प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे एंड आई डिड अ हॉल इज वेल. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. सो फॉर टुडे आई विल बी यूजिंग देयर ग्रियालमो फेस वॉश विच इज मेड विद रिचनेस ऑफ आलमंड ऑयल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट. दिस इज व्हाट द फेस वॉश लुक्स लाइक. Now this face wash has some amazing ingredients like almond oil, green tea like I told you guys abhi, and then it also has vitamin C, kesar and a lot of amazing ingredients to be very honest. Now this particular face wash is for dry to combination skin because winters meri skin kafi zyada dry and flaky ho jati hai, especially my T zone. So main summer time pe inka multani mitti face wash use kar rahi thi but kyunki it's winter time so I'm just using this one. Now this is extremely creamy you guys. I'll just show you. This is what the face wash looks like. I should better start applying this now. So it really calms down the skin. It is very creamy. It just moisturizes the skin really well. मतलब because it's very very creamy. And if you have any acne or any rashes, ये आपकी skin को बहुत अच्छे से calm down कर देता है guys. Also इसमें कोई भी paraben sulfates वगैरह नहीं है. So I really like this face wash. So मुझे अपने morning skin के routine में ये वाला face wash use करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. बिल्कुल भी ऐसे lather up नहीं होता है, which is a good thing. अगर तुम्हारी भी skin ऐसे winters में dry and flaky हो जाती है, this face wash is for you. मेरा फेस आई स्वेयर 1% भी ड्राई आउट नहीं हुआ है बिकॉज यू नो ये फेस वॉश बिल्कुल भी लादर अप नहीं होता लाइक आई सेड बिकॉज इसमें कोई भी ऐसे टॉक्सिक इंग्रीडियंट्स नहीं है. सारे इंग्रीडियंट्स काफी ज्यादा नेचुरल है. नाउ स्टेप नंबर 2 इज अ टोनर. सो यू गाइज नो दैट आई हैव बीन रियली एंजॉयिंग यूजिंग अ रोज वॉटर एज माई टोनर एंड यू नो वॉट आई रियली लव दिस रोज वॉटर बाय द नेचुरल वॉश. मेरे पास इसका छोटा वाला बॉटल भी है, वो भी बाहर पड़ा है एंड दिस इज द बिग वन. सो दिस इज एक्चुअली स्टीम डिस्टिल्ड रोज वॉटर एंड इसमें कोई भी ऐसा अल्कोहल वगैरह कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है. एज सून एज आई स्प्रिट्ज इट ऑन टू माई फेस गाइज ऐसा लगता है कि मतलब आई हैव टेकन अ शावर ऑफ फ्रेश रोजेस. ये इतना ज्यादा फ्रेश है. द थर्ड स्टेप वुड बी टू मॉइस्चराइज माई फेस. नाउ इन दिस केस आई एम जस्ट गोना अप्लाई समथिंग विच विल एक्ट एज अ प्राइमर एज वेल एज अ मॉइस्चराइजर फॉर माई फेस एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज द नेचुरल वॉश प्योर एलोवेरा गोल्ड जेल. नाउ दिस इज अ सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग जेल विद 24 कैरेट गोल्ड एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन मेनी एलोवेरा जेल guys but I have not seen any aloe vera gel jisme 24 carat gold hota hai and the best part is ke this is colorless. You guys can see this is not green. Market mein kitne sare aise aloe vera gels aate hain jo green color matlab usme aise artificial fragrance and colors add karke dete hain but isme koi bhi artificial fragrance nahi hai, koi bhi artificial color nahi hai. You guys can see and isme na chote chote there are chote chote particles of gold and it just looks so fancy. So this is like an all in one product for my skin because ye moisturize bhi karta hai skin ko, ye prime bhi kar deta hai, ye soothe भी कर देता है. सो एलोवेरा जेल इज रियली रियली ग्रेट फॉर योर स्किन. आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ जेनरस अमाउंट एंड यू नो जस्ट वेट फॉर इट टू सेटल डाउन इनटू माय स्किन. तब तक मैं कुछ छोटा मोटा अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मेकअप.
Now the brand is not claiming के ये इनका एलोवेरा जेल जो है ये 100% प्योर एलोवेरा जेल है, but it's like this is made with 90% प्योर एलोवेरा and 24 कैरेट गोल्ड. And also guys, this is suitable for all skin types. इसमें भी कोई parabens, silicones वगैरह नहीं है. And also all these products are cruelty free, which is a big thumbs up from my side. And guys, the natural wash has a wide variety of Ayurvedic products. I would highly, highly, highly recommend you guys एक बार जरूर इन products को check out करना, especially this face wash. If you have dry to combination skin, I swear your skin will not dry out after you're done washing your face. And this rose water is equally amazing. Like, I do not have words for this. And just, you know, try these products once and let me know how this works for you. I'm gonna leave their links in the description box below. Few moments later. Alright, so I am getting so late. I can't even tell you. I just realized. मेरी बहन का कॉल भी आया था कि कहाँ है, कहाँ रह गई. बेसिकली दुल्हन सबको कॉल कर करके बुला रही है कि कहाँ रह गए, मेरी शादी पे आओ यार. सो अब मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ. आई ऑल्सो चेंज माई क्लोथ, यू गाइज कैन सी. So we are on our way right now. मम्मी हाय बोलो मेरे ब्लॉग को. हाय. मम्मी ना रेडी रहती है हाय बोलने के लिए. So you guys can see कि हम 2:15 तक पहुंचेंगे and हमने सारा सामान आगे रखा हुआ है. By the way, this is my makeup look. अभी हिना को लग रही है मेहंदी, तब तक हम कर रहे हैं टाइम पास. यहाँ चल रहा है फोटोशूट. राइट नाउ वी आर आउटसाइड द वेन्यू. हम आए हैं फोटोज क्लिक करने. दिस इज माई बहन स्पॉट. बहनों बहनों आइए. एक ही तो कुछ ज्यादा. और हमारी जिस बहन की शादी है वो है अभी अंदर. वो तो ऑब्वियसली ही स्टक मेहंदी लगने लग रही है. या और अभी हम लोग कुछ खा पी के जाएंगे घड़ोली की रस्म करने. मैंने तो कहा है ना, मैंने नहीं कहा. तुम लोग तो ढूंढ के बैठे हो ना. नो राइट नाउ वी आर एट दिस होटल जो कि हमने कुछ घंटों के लिए लिया है. एक्चुअली कल सुबह तक के लिए लिया है. काफी ज्यादा कंफ्यूजन एंड हॉचपॉच हो रहा था बेसिकली. एंड अभी हम लोग जस्ट अपना ऐसे सामान लेके आए हैं. आर रूम्स आर गेटिंग रेडी. सो ट्विंकल एंड फलक. ट्विंकल तो फोकस में नहीं आ रही, रुक जाएगी. सो अभी हम लोग बैठे हैं. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर मॉम्स. हमारी मम्मा आ रही हैं क्योंकि गाड़ी में उतनी जगह नहीं थी बेसिकली. और शाम को है डीजे नाइट या फिर लेडी संगीत. क्या है दोनों? कल शादी है और सुबह हल्दी है. वो तो ठीक है. आज अच्छा, आज डीजे नाइट है रात को. हाँ, सो डीजे नाइट के लिए हम यहीं पे रेडी होंगे एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे ही पहुंचेंगे. 2 hours later. सो वी आर रेडी फॉर द डीजे नाइट. दिस इज व्हाट माई आउटफिट लुक्स लाइक. ये मैंने दिवाली गेट रेडी विद मी में पहना था. इंस्टेड ऑफ जैकेट आई जस्ट डिसाइडेड टू कैरी दिस मजेंटा दुपट्टा दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो. एक सूट के साथ का ये दुपट्टा है. एंड ऑल्सो बोरोड दिस मांग टीका सॉर्ट ऑफ अ थिंग फ्रॉम माई सिमी बहना. सम चूड़ियाँ ऑब्वियसली मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है सो can't show you guys properly. And these earrings are from Kratrim jewelry. So beautiful.
पीछे कुछ ज्यादा ही मैस हो रही है बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग लेट. सो वी हैव रीच्ड द वेन्यू फॉर द डीजे नाइट. देयर इज गोइंग टू बी अ डीजे नाइट टुडे. सो देयर इज दिस बैंक्वेट जहां पे यू नो सब फन करेंगे, मजे करेंगे. आई नो दिस व्लॉग इज ऑल ओवर द प्लेस बट आई एम ट्राइंग टू व्लॉग एज मच एज आई कैन एंड at the same time I want to enjoy this time, you know, with my cousins and family. So I'll see you guys in a while. There's going to be a performance by Dulhan ki behne and Dulhan ki bhabhi and also our very sweet Ahana. मैं ये व्लॉग में डालूंगी कि दुल्हन अपने ही उसमें डीजे नाइट में खड़ी होके गोलगप्पे खा रही है. ही ना पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो. अबे पीछे क्या लिखवा है वो दिखा. ये देखो. Much later. So guys, we just came back to our hotel and कुछ इस तरह हालत है हमारे कमरे की. I'm staying with my cousins, Twinkle. एंड सिम्मी किधर माए करती रहती मेरे ब्लॉग में. बहुत ज्यादा थके हुए हम लोग एंड अब जस्ट हम चेंज करेंगे एंड देन वील डोज ऑफ बिकॉज हम लोगों को कल बहुत जल्दी उठना है. कितने बजे उठना है हमें? 6 बजे उठना है. नहीं, 6 बजे पहुंचना है. So अभी रात के 12 बज रहे हैं एंड हमको 6 बजे उठना है. अपनी कन्वीनियंस है, मतलब हाँ मेहनत ज्यादा है इस काम में ज्यादा मेहनत है. हाँ ये तो है, पर वो ये आई एंजॉय इट. एक होता है ना पैशन, तो आपको ज्यादा वो स्ट्रेसफुल नहीं लगता. होता तो बहुत स्ट्रेसफुल है, पेमेंट्स ट्रैक करते रहना, फिर क्लाइंट्स से बात करना, उनकी वीडियो भेजना, उनके लिए कंटेंट बना के देना, फिर उनका अप्रूवल लेना. हेडेक तो बहुत हेडेक है यार. इट्स लाइक और एक होता है ना आपकी आपकी फ्लाइट खत्म, आपका काम खत्म. यहाँ तो चलता ही रहता है. हाँ तुम दोनों को कैसा लग रहा है कि हमारी बहन की शादी है? I don't know, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी because I'm so tired, but I think I have mixed feelings about it. और कल जब उसकी विदाई होगी तब पता चलेगा शायद. तब तो रोना आएगा सबको. No, वैसे I don't think मुझे रोना होना आएगा, but I don't know. Twinkle? छुप गए. तुझे कैसा फील हो रहा है? तेरी भी अगले साल तक हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है. अच्छा तो तुम्हारी हो जाएगी फिर, है ना? मैं चाहती तो वो मेरी हो जाए. पता नहीं, पहली लड़की है जो कह रही है मैं चाहती हूँ शादी हो जाए. हमें हीना भी चाहती थी. अच्छा. तो बस आपको यही कहना है और आप कुछ फील नहीं करते? बस अब अगले साल मेरी शादी के ब्लॉग में मिलेंगे. गुड नाइट बोल दो. गुड नाइट. बाय बाय. The next day. It is 6 o'clock right now and we are going to Hina ke ghar. Kyun? So good, subah. I don't know. Because uske abhi haldi ki rasam hai, chude ki rasam hai and fir hum log wapas hotel aake ready honge uski shaadi ke liye. A few minutes later. So we just got back home. Chuda ceremony and all हम लोगों ने attend कर लिया है.
एंड नाउ वी जस्ट गोना गेट रेडी बिकॉज 11 बजे की बारात है एंड सुबह की शादी है. सो अब हम रेडी होंगे. मेरी कजन्स ने ऑलरेडी रेडी होना स्टार्ट कर दिया है. मैं अपना मेकअप मैं खुद ही कर लूँगी बिकॉज माई ड्रेस इज थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, एक्चुअली माई ड्रेस इज बहुत ज़्यादा हैवी एंड डार्क कलर की है. सो डे के हिसाब से आई एम जस्ट गोना डू सम लाइट मेकअप. और अभी बज रहे हैं रात, नहीं सॉरी, एक तो ना जब इतनी जल्दी उठना होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता. अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड दिस इज माई आउटफिट. अभी यू नो टेम्प्रेरी आउटफिट जो मुझे पहना था हिना के घर जाने के लिए वो निकल चुकी है. वो डायरेक्ट ग्रूमिंग रूम में अपना रेडी वेडी हो रही है एंड हम लोग वापस होटल आ गए थे. सो आई डोंट नो, इट्स अ गुड फीलिंग यू नो टू सी योर कजन गेटिंग मैरिड एंड आई एम हैप्पी फॉर हर यू नो. सो नाउ आई एम जस्ट गोना गो बैक टू माई रूम एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड आई विल कैच यू गाइज इन अ व्हाइल. सो द दुल्हन इज ऑलमोस्ट रेडी. बस इसका ये लहंगे के साथ फोटो शूट हो रहा है एंड देन दिखा अपना मेकअप, दिखा आईज क्लोज. खुद किया ना तूने? बिकॉज शी इज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. तो ये आज खुद तैयार हुई है अपनी शादी पे. जिस बारात आने ही वाली है गाइस एंड आई एम सो एक्साइटेड. कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा. हीना की शादी में बहुत अच्छा लगा शादी में. सो अभी हम लोग फेरों की रस्म करके वापस आए वेन्यू पे बिकॉज किसने भी लंच नहीं किया था. सो अब थोड़ा बहुत हम लोग खाएंगे एंड उसके बाद हीना की विदाई हो जाएगी फाइनली. मम्मी तो सेंटी हो ही जा रही है एंड मैंने भी चेंज कर लिया गाइस. सो आई एम वेयरिंग द सेम सूट विच आई वोर इन द मॉर्निंग फॉर द चूड़ा रस्म. मैंने हार्डली एक घंटे के लिए सूट पहना था तो मैंने सोचा कि इट मेक्स मोर सेंस कि मैं यही थोड़ी और देर के लिए शाम को ये सूट दोबारा डाल लूँ. सो या ऑल्सो मैंने अपने इयर रिंग्स भी उतार दी बिकॉज कान बहुत बुरी तरह पके हुए हैं. द लहंगा, द ड्रेस जो है वो सो हैवी. हील्स की वजह से मेरे को ऑलमोस्ट शू वाइट हो गया था. सो मैंने अपनी जुत्ती चेंज कर ली है, मतलब हील्स उतार के जुत्ती पहन ली है. मैं थोड़ा और कंफर्टेबल आउटफिट में आ गई हूँ सो दैट मैं एक आधी बची कुछ रस्म अब कम्फर्टेबली यू नो अटेंड कर पाऊँ एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट. आई रियली इन्जॉयड द वेडिंग एंड आई स्टिल कॉन्ट बिलीव माई कजन गॉट मैरिड टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ठीक है, अब बिलीव करना पड़ेगा. Much, much, much later. So guys, just अभी अभी हीना की विदाई हुई है एंड वी आर अ लिटिल इमोशनल. मतलब हम तीनों की आंखें भर गई थी. वी रियली विश एंड प्रे कि वो हमेशा खुश रहे अपनी मैरिड लाइफ में. एंड आपको कुछ कहना है? कभी ना कभी तो हीना ये ब्लॉग देखेगी ना, तो मैं उसको जबरदस्ती बोलूंगी ये ब्लॉग देखने को. Honestly, yeah, because I did not plan on
getting too emotional, but इतना sentimental. ये तो proper ऐसे रोने लग गई टप टप आंसू से. टप टप आंसू, but wasn't expecting that. Yeah, exactly. And I was expecting कि मैं बहुत रोऊंगी, but because मुझसे ऐसे विदाई वगैरह नहीं देखी जाती है. बट मैं ठीक थी थोड़ा, यू नो, कंट्रोल में था मेरा. एंड व्हाट अबाउट यू? मुझसे तो अपने इमोशंस वैसे ही नहीं कंट्रोल किए जाते. ये तो रो रही है, तो रो पड़ी थी सबसे पहले. मैंने नहीं देखे ऑल दो इसके मैंने देखे थे. सो आई रियली होप कि तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो. ऑल्दो आई डिड नॉट ब्लॉग मच, एज एंड आई डिड नॉट इंटरैक्ट विद यू गाइज अ लॉट, बट जितना हो सके आई ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. एंड yeah, that's pretty much it for this vlog. And if you like this vlog, then please make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, मैं अपने Instagram handle का link नीचे description box में दे दूंगी. इन दोनों को check out करना, इनका भी links मैं दे दूंगी, because mostly यही दोनों थे मेरे vlog में. And yeah, I shall see you guys next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. तुम लोगों को नहीं पता ना मेरी वीडियोस नहीं देखते तुम, कि मैं हर वीडियो में क्या बोलती हूँ. अच्छा ठीक है, ओके, 1 2 3 बाय.